ये काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं झेल सकती। कितनी ठंड है यहाँ, मेरे हाथ पांव बर्फ बन गए हैं। हाँ मिस सनम, आपके रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है, हमारा रिपेयरमैन कल सुबह उसे ठीक कर। हाँ तो इस पर कोई सलूशन निकाल देते हैं ना, मुझे कोई और रूम दे दीजिए एक प्रॉपर हीटर के साथ। नहीं तकलीफ के लिए मैं रूम सर्विस को कॉल किए जा रहा हूँ पर कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा है। मुझे एक ग्लास पानी चाहिए प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी ला देंगे तो अच्छा होगा। अनफॉर्चूनेटली सारे रूम्स ऑक्यूपाइड है, अब सीजन चल रहा है ना इसलिए। हाँ तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी ठंड से, अंदर काफी ठंड है, और कल हीटर ठीक करने आएंगे तब मेरी लाश नजर आएगी आपको। सॉरी पर मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई थी, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मिस अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकती हो और मैं यू नो इनके रूम में रह लूंगा अगर पॉसिबल है तो। मेरी रूम बहुत ठंडी है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर पा रही पर वो बर्फ जैसी ठंडी है, और आप तो वो विंडो भी ठीक से नहीं बंद कर पाए। इतना सीरियस है क्या? हाँ वेरी सीरियस। फिर एक काम करते हैं, मेरे रूम में दो बेड है, एक बेड है और एक बच्चों के लिए काउच है। एक मिनट, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बच्चों का काउच? क्योंकि तुम्हारी स्लिपर्स देखो ना एक बार, और आधी रात को टेम्परेचर -5 हो जाता है। बहुत बुरा। अब हम क्या करें? तुमने डिसाइड किया? मेरा पानी आ गया। हाँ क्या सोचा? हाँ लेट्स गो। चल मैं इसे यहाँ रखती हूँ। क्या ये बेड है? मैं तो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो पा रही, तुम तो बैठ तक नहीं सकते यहाँ। सोना तो दूर की बात है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। जरा देखो तो उस जेंटलमैन को जिसने मुझे ये बच्चों का बेड दिया है और खुद डबल बेड पर सो रहा है। रूड नर्ड। सनम तुम्हें समझ आ रहा ना कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम काफी रूडली बात कर रही हो, समझ रही हो? तुम काफी रूड हो तो थोड़ा आराम से। अच्छा आपको सब सुनाई देता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये ओपनली बता रही हूँ। ठीक है फिर मैं ये बुक जोर से पढ़ता हूँ, क्या कहती हो? हाँ उसने आखिर कसम खाई है कि वो मेरे राज किसी को नहीं बताएगी और बिजनेस की सारी डिटेल्स उसने सुन ली। ऐसे तो हम जोर जोर से बात करते हैं एक दूसरे से बिना केयर करे, और उसके अलावा मैं उस बेड में फिट कैसे होऊंगा जिसमें तुम फिट नहीं हो पा रही हो? मैं तुम्हारी डबल साइज का हूँ और हम एक साथ इस बेड पर भी नहीं सो सकते, राइट? कैसे? अभी तक हम यूनाइट भी नहीं हुए हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं जान, सेम बेड। सनम तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, तुम समझ रही हो? तुम्हें वो रूम आखिरी मोमेंट पर मिला है, तुम्हें थैंकफुल रहना चाहिए। सॉरी जान आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सेमिनार के लिए आई हूँ, समझे आप? सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। जाओ और जाकर होटल्स की लिस्ट चेक करो, होटल को कॉल करो ना आपको पता चल जाएगा, मैं इस होटल की लॉयल सेमिनार मेंबर हूँ, जाओ और चेक करो। रुक क्यों गए, जाओ ना। हाँ बिना मेरे यहाँ कोई भी सेमिनार नहीं होता, समझे आप? और यही मेरी लाइफस्टाइल है। बात करते हैं। ओ गॉड मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। सुना आपने? क्या आपने कुछ सुना? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस घटिया रूम में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं रूम छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ। सुन रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ। सुन रहे हैं ना आप? मैं रूम छोड़कर जा रही हूँ। ओ मैं जा रही हूँ। मैं देखता हूँ, तुम भी देखो ना बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ पर दरवाजा खुला मत रखना, बाहर बहुत ठंड है, पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा -5 -10, मुझे नहीं पता, दरवाजा बंद करो। Mm-hmm.
ब्लैंकेट मुझे दो, खींचना बंद करो, समझी ना। आपके पास ही था, आप सो गए थे। जान मुझे दीजिए ना। जान, जान अगर मेरे ऊपर ब्लैंकेट नहीं रहा तो मुझे रात को नाइट में आते हैं। मुझे खींचो मत, मुझे चाहिए। मुझे तो आप कितने रूढ़ हैं, बहुत रूढ़ हैं। गुड नाइट सनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं चेक करता हूं। हाय जान। हाय पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम दोनों साथ में हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था ना। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ? मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया जान, पर मुझे गलत मत समझना, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था और मुझे कुछ फ्रेश एयर भी चाहिए थी। मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, उन्हें सब पता होता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरी तरफ मत देखो, मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी। सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ, और वजन बढ़ जाएगा, इस वजह से तुमने कुछ नहीं खाया। सनीम, तुमने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं। हमारी कॉफी हम यहाँ बैठकर पिए। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों हो जान। दरअसल तुम यहाँ अकेले रहने आए थे ताकि तुम सही डिसीजन ले सको, है ना? यही बात है ना? और मैं आज सुबह तक का इंतजार करना चाह रही थी, इसलिए मैं कल नहीं आई। पर देखो, लगता है तुम्हें किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया, है ना? वो मुझे टॉन्ट मार रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, मिस सनम, हेलो। आज हम गार्डन में रहेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे, बल्कि हम तो अभी आ रहे हैं। चलिए। शायद हम आज नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ मेहमान इसलिए। वो भी आ सकती है, आज का काफी टफ डे है, कुछ एक्सरसाइजिंग करनी है। आपकी गेस्ट भी आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं वो नहीं। ओ, ऐसी बात है, सुपर, मैं जरूर आऊंगी और मुझे लगता है हम साथ में जरूर एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं। वंडरफुल, तो फिर मिलते हैं हम। राइट आइडिया। हाँ, हमारी कॉफी खत्म करते हैं। तुम कितनी क्यूरियस हो फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजिंग। मैं इन्हें सालों से फॉलो कर रही हूँ, ये काफी अमेच्योर है। मुझे वो लेने दो। जिंदगी कभी कभी एक नैरो ब्रिज जैसी होती है, बैलेंस इम्पोर्टेंट है। और जो अनसीन बर्डन होता है कंधों पर, जैसे कि जिम्मेदारियाँ, चिंता, प्रॉब्लम्स, गिल्ट, रिग्रेट, फैसले जो हमें लेने होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो अगर आपका दिमाग ओपन माइंडेड है और आपकी स्ट्रॉन्ग विल है। मिस्टर जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, यही अच्छा रहेगा। सही है, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। बैलेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम कुछ और करने वाले हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स और वरीज को फोकस करें। हाँ, अब चलना शुरू कीजिए। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए, आपकी प्राइवेट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए। जिंदगी
जिंदगी में कई फैसले लेने हैं, कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं। ब्रावो, लेकिन प्रॉब्लम्स ने आपको कभी गिरने नहीं दिया। उम्मीद है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही रहे। हम देखेंगे, फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, आप दोनों ब्रिज के दो एंड्स पर जाइए। हाँ, आप जाइए प्लीज प्लीज। हाँ मिस सनम, मैं, आप भी प्लीज। ठीक है, मैं ये ले रही हूँ। हाँ प्लीज, और आप वो दूसरी बैलेंस लिख लीजिए। कभी कभी हम जिंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चल के ब्रिज के मिडिल में आए, ठीक है? हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं ना? जरूर जरूर। आपके हाथों में जो स्टिक दी है उससे बैलेंस करना है, इसलिए वो आपके हाथों में है। तुम उसे ठीक से पकड़ो, एक स्टिक को ऐसे पकड़। मैंने सही से पकड़ा है, तुम ध्यान रखो। देखो तुम कहीं गिर ना जाओ। मैं बस बोलने ही वाली थी। सरा धीरे, लाइफ भी कुछ ऐसी ही है पोलन, तुम जब झूलती हो तो मैं झुलाती हूँ। सनीम संभल कर, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तुम कर क्या रही हो, मुझे बीच में आने तो दो, पागल हो गई हो क्या तुम? पर देखो तुम ठीक से उस बैलेंस स्टिक को नहीं पकड़ पा रही, तुमने उसे गलत पकड़ा है। देखो उसे हटाओ, तुम थोड़ा खुद को संभालो, तुम बैलेंस आराम से करो, मैं गिर जाऊंगी, क्या कर रही हो? सनीम क्या किया? अरे देखो क्या कर दिया तुमने, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे ठीक आई और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसमें गलत क्या है? और तुम तो वो बैलेंस स्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ रही थी। नहीं, मैंने सही तरीके से पकड़ा था। देखो नहीं, ऐसे वहाँ से उठना है और यहाँ आना है। पकड़ना भी नहीं, उठो, किस तरह से पकड़ते हो? नहीं नहीं, देखो तुम उसे छोड़ दो, समझी? ये अब साफ मत करना, ओके? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, लड़ना नहीं है आपको। सॉरी, अब मुझे नहीं खेलना। ये लड़की पागल है, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मैं जो भी गेम खेलती हूँ उसे इतना सीरियसली क्यों लेती हूँ, समझ नहीं आता। आखिर ये कुछ पॉइंट्स है, एंड ऑफ द लाइफ नहीं। मैं भी ना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, पर डियर सनीम तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो फ्लैट फ्लोर पे भी नहीं चलता। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ और वॉलंटियर्स हैं? हाँ देखो, मैं इस ब्रिज को कितने अच्छे से पार कर पा रही हूँ, और इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको तो बैलेंस स्टिक की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉल्व हो गए हैं, सब। सुनिए, सॉरी मैं ये ले रही हूँ, आप दोनों बात कर रहे हैं तो नो नीड। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लगा कि यहाँ एक ओपन बुफेट होगा, इसलिए मैं अपनी प्लेट साथ ही लेकर आई। सॉरी मैं एक चेयर ले रही हूँ, क्योंकि आप दोनों ही है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई, डोंट वरी। मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, पर मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं है। जान, आपका खाना ले रही हूँ, ओके? ऐसे, थैंक यू सो मच। पोलन, तुम्हारे चिकन का एक पीस ले लेती हूँ। मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, चिकन के साथ बहुत अच्छा लगता है ना? सॉरी मैंने आपका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दिया। जान, यू कैन गो ऑन। नहीं नहीं पोलन, हमारे फ्रेंड्स जो लंदन में, उनकी बात कर रही थी। दरअसल वहाँ हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उनकी बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो उनकी बातें मत करो ना। मुझे नमक मिलेगा प्लीज? ये लो डियर सनी। ओ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। आई चेंज माई माइंड। बाय द वे, मुझे मेरी कंट्री बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमेशा ग्रे स्काई और बारिश होती रहती है। मुझे लंदन वंडन बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा देश बहुत अच्छा है। हाँ हमारी कंट्री अच्छी है सनीम, लेकिन जान को वो जगह ज्यादा पसंद है। ओके, एक्चुअली मुझे वार्मर क्लाइमेट ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे पर भी। बालकन्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वहाँ काफी ठंड है पर वहाँ चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं तो काफी मजा आता है मुझे। हाँ मैं जानती हूँ जान कि बालकन्स तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है, मेरे लिए भी है। दरअसल हमारे वहाँ काफी सारे फ्रेंड्स हैं सनीम, क्यों ना हम एक काम करें जान, जब भी तुम्हारा वहाँ जाना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी साथ चलूंगी। नींबू, नींबू का रस, कोई नींबू का रस कैसे खा सकता है, इस पे थोड़ा सा डाल देती हूँ, ओके खा लो। जान तुम्हें हमारा वो दोस्त याद है मैरको, वो अभी मोंटेनेग्रो में है।
मुझे लगा वो ज़ाग्रेब में। वो बुधवा में है और वहाँ 250 साल पुराने घर में रह रहा है। वो कितना वंडरफुल है। वो गिर सकता है। स्टोन हाउस, वो आज तक नहीं गिरा, क्या करेगा? ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आई केयर फॉर यू जान। जान, अगर तुमने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली ना तो कंपनी तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाएगी, इसलिए कह रही हूँ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। वो लोग भी बहुत खुश होंगे जान, उन्होंने तो तुम्हारे लिए प्री बुकिंग भी कर ली है। मैं खुश हूँ जान कि मैं यहाँ आई, मुझे बहुत मजा आया। जान सुनो, मैं जानती हूँ तुम सिटी मैन नहीं हो, तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हें मजा आए, ठीक है? मैं सोचूंगा। ठीक है, सी यू। सी यू, बाय बाय बाय। चलो कहाँ? इस्तांबुल। और कहाँ सनम? नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। आप कार से सनम, चलो आ जाओ। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो। सॉरी, आप स्टार्ट करो। नहीं, आप नहीं, तुम करो। नहीं, आप करो। नहीं, वो नहीं। वो नहीं, तुम उसे ऑन करो। मुझे तुम्हारे प्ले किए हुए सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, अब नया सॉन्ग सनम चूज करेगी। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. Ye road kitna acha hai na? Haan, bahut acha. Spring mein aur bhi acha lagta hai. Hum yahan wapis aayenge. मेरा मतलब है कि हम एजेंसी के सारे लोग मिलकर यहाँ वापस। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, कोई वीकेंड पर चलेंगे। हाँ, हम देखेंगे। ओह गॉड, मैं यहाँ 2 दिन एजेंसी से दूर हूँ और देखो मुझे डेरिन की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम यहाँ से क्यों ना एजेंसी चले जाए, क्योंकि आज अप्रूवल के लिए मैकिनलोन आ सकता है। हाँ, हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, बहुत काम करना है, और डोंट वरी, हम सब मिलकर ये खत्म करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। Bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin temin. Sen ürkek bir kış gecesin, ay ışığının gülüşüsün. आप बहुत थक गए होंगे ना? अगर आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ। मैं नोट्स निकाल लूंगी और मैं किनोन से बात करूंगी और आपसे कल बात करूंगी। सनम, मैं नहीं आ रहा। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं नोट्स ले लेती हूँ। मैं एजेंसी में चली जाती हूँ। मैं अभी एजेंसी में जा रही हूँ और नोट्स निकाल कर आपसे कल बात करूंगी। सनम, मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जा रहा हूं। हाँ,
आप जा रहे हैं? हाँ सनम। क्या आप श्योर हैं? हाँ सनम, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं जाऊंगा कल ही। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आपको खोने की डर की वजह से मैंने गलतियां की, फिर भी मैं ट्राई करती रही। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू। मुझे पता था कि सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं पागलों की तरह कोशिश करती रही और आपने गिव अप कर दिया जान। आप बस भाग रहे हो जान, आपकी प्रॉब्लम से, मुझसे, आपकी मॉम से, आप सब कुछ छोड़कर बस भाग रहे हो। आपकी माँ आपको बचपन में छोड़कर गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, आप सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ठीक है, आपने जाने का डिसाइड किया है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड बाय। अब मुझे समझ आया कि प्रिंसेस रियल लाइफ में नहीं होती और सपने खत्म हो जाते हैं। सपने खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं सनम। शायद, पर मैं आज भी सीक्रेटली सपने देखती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जान, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। जान, अगर हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है सनम। हम शब्द का इस्तेमाल मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हमारे बीच कुछ स्पेशल होता तो ऐसा कभी नहीं होता, समझ में आ रही तुम्हें बात? हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जा रहा हूं। आपने गिव अप कर दिया जान और आप भाग रहे हैं। अगर आपने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना, तो आप मुझे माफ कर देते।